नमस्कार दोस्तों, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर करेंगे 1 से 10 सितंबर 2022 तक के, और उससे पहले 31 अगस्त के जो प्रश्न थे उसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि बिहार के किस पर्यटन स्थल को ट्रैवलर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोधगया। दूसरा प्रश्न था कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है। ऑप्शन था सैयद अकबरुद्दीन, TS त्रिमूर्ति, हरिदीप सिंह पुरी या फिर रुचिरा कम्बोज। तो आंसर रुचिरा कम्बोज हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर जैवलिन फेंक कर जीत दर्ज की, तो इसका आंसर हो जाएगा 89.08 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी या नदियां नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन है ए हिरण, बी कोलार, सी दूधी, डी बंजार या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारी ही नर्मदा की सहायक नदी है। आगे मालविनास द्वीप समूह किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो ये थे 31 अगस्त के प्रश्न। अब चलिए हम लोग 1 से 10 सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। इसमें पहला जो न्यूज़ है वो है कि भारत और जापान के मध्य 2+2 डायलॉग का आयोजन सितंबर माह में होगा, जिसमें दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, तो किसके किसके बीच होगा, भारत और जापान के बीच। और इसके बारे में है कि इसमें चर्चा के जो प्रमुख विषय होंगे वो है एंटी ड्रोन, रोबोटिक्स, लिथियम आयन और बैटरी जैसे मुद्दे, लिथियम आयन बैटरी जैसे मुद्दे। ठीक है, और ये 2+2 वार्ता और किस देश के साथ होती है, तो इसमें आ जाएगा USA, जापान और रसिया। और नेक्स्ट है कि मतलब इसी का कुछ कुछ फैक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि भारत और जापान दोनों जो हैं वो क्वाड देशों के सदस्य हैं, और इन दोनों देशों के मध्य सिन्यो मैत्री नामक एक्सरसाइज होता है। और भारत और जापान के मध्य डायलॉग कब शुरू हुआ था, 2+2 डायलॉग 2019 में। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, 2019 में हुआ था दोनों के मध्य 2+2 डायलॉग। आगे चलते हैं, भारत व चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर PP-15 से हटना शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि दोनों देश की सेनाएं अप्रैल 2020 से ही इस इलाके में टकराव की स्थिति में थी। ठीक, और PP-15 लद्दाख में LSE के साथ जो 65 पेट्रोलिंग प्वाइंट है उनमें से एक है। आगे चलते हैं कि 14वें UAE और इंडिया ज्वाइंट कमीशन के दौरान दोनों देशों ने एक कल्चरल काउंसलिंग फोरम को गठित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से देश, इंडिया और UAE। और इस दौरान क्या होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए भी समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 7 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, जिसमें कुसियारा नदी जल समझौता व सीपा आदि प्रमुख हैं। सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे चलते हैं अगली खबर पे कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की से 2.9 बिलियन डॉलर का प्रारंभिक ऋण प्राप्त हुआ है, और श्रीलंका को यह ऋण एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत प्रदान किया जाएगा। तो EFF क्या होता है, यह जो EFF के तहत तब ऋण दिया जाता है जब किसी देश को संरचनात्मक कमजोरी के कारण गंभीर भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। और IMF की स्थापना कब हुई थी, ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के तहत हुई थी इसकी स्थापना, और यह यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आगे चलते हैं कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और भारत अब केवल अमेरिका, चीन, जापान व जर्मनी से ही पीछे है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का विश्व विरासत टैग खतरे में पड़ गया है। ठीक है, पाकिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है सिंधु और काबुल नदी के कारण, और मतलब मानसून ज्यादा हो गया वहां पे तो इसीलिए बाढ़ आ गई। इसके कारण क्या हो गया, मोहनजोदड़ो का अस्तित्व है वो खतरे में है, और उससे क्या है कि अस्तित्व जब खतरे में पड़ गया तो उससे विश्व विरासत का जो टैग है वो वापस लिया जा सकता है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, अगर आप सभी को पता है तो अपने आप से मतलब लिख लें कॉपी पे या फिर नोट डाउन कर लें कहीं पे, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा,
और या विश्व विरासत में शामिल होने के लिए किसी साइट को क्या होना होता है, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना होता है। और इससे पहले भी तीन ऐसे स्थल हैं जिनको कि विश्व विरासत सूची से हटाया गया है, उसमें कौन कौन है, तो पहला है अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी ओमान में, दूसरा है एल्ब वैली जर्मनी में, और तीसरा है लिवरपूल यूके में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि यूएन महिला तथा यूएन दिशा द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति द जेंडर स्नैपशॉट 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, और इसके अनुसार एसडीजी 5 या लैंगिक समानता वर्तमान प्रगति की चाल से 2030 तक पूरा करना संभव नहीं है। ठीक है, यूएन दिशा का क्या है फुल फॉर्म की, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग। आगे चलते हैं कि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आइंस्टीन रिंग की एक बेहतरीन फोटो खींची है, और JWST नासा का सबसे बड़ा व शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। अब यह आइंस्टीन रिंग क्या है, तो आइंस्टीन रिंग की घटना तब होती है जब किसी तारे या आकाशगंगा से प्रकाश पृथ्वी की ओर जाते समय किसी दूसरी आकाशगंगा या किसी विशाल पिंड से होकर गुजरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेशनल न्यूज पे कि प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ है और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और ध्यातव्य है कि पूर्ववर्ती राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और ये नेताजी की जो प्रतिमा है वो ग्रेनाइट से बनी है, 28 फीट ऊंची है, 65 मीट्रिक टन का वजन है इसका, और इसके मूर्तिकार श्री अरुण योगी राज हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में खोला गया जिसे दिल्ली वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है, और अगली जो खबर है वो है COVID-19 के लिए दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन इंकोवैक को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और इसे विकसित किसने किया है, भारत बायोटेक ने, यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे चलते घरेलू स्तर पर उपलब्धता बनाने के उद्देश्य से DGFT ने नोटिफिकेशन जारी कर ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। यह DGFT क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और क्यों इस पे प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमत बढ़ने के कयास है। और अलग एक फैक्ट नोट कर लीजिए आप लोग कि चावल का सबसे बड़ा आयातक चीन है और उसके बाद है फिलीपींस, और चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया गया। ठीक है, और जिसमें ऊपर में बाईं ओर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तथा मध्य में एक गहरा नीला स्वर्ण अष्टकोण है। ठीक है, यह है ऊपर में बाईं ओर भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और बीच में एक गहरा नीला स्वर्ण अष्टकोण है, और यह नया ध्वज अपनी विरासत पर गर्व करने का प्रतीक है। इस नए ध्वज प्रतीक में ब्रिटेन के संरक्षक संत के प्रतीक सेंट जॉर्ज के रेड क्रॉस को हटा दिया गया है। ये रेड क्रॉस बीचों बीच बना था ध्वज के, तो उसे अब हटा दिया गया है। अगली खबर है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 हो गई है। यह UNDP द्वारा जारी की जाती है, और 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 130 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और स्विट्जरलैंड में आयोजित लीग में 88.44 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने जीत दर्ज की है। अब बिहार से संबंधित हम लोग न्यूज कवर कर लेते हैं कि बिहार सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए एक नया निर्णय लिया है। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए नया निर्णय लिया गया है, क्या है, इसके तहत वैसी महिलाएं जो विवाह के बाद बिहार से बाहर बस गई हैं परंतु उनके पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो उन्हें बिहार में महिला होने का रिजर्वेशन मिलेगा। भले ही वो महिला बाहर बस गई हो, लेकिन उनके पिता यदि बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी वो विवाह से पहले बिहार में स्थायी रूप से रहती थी जो महिला है, तो उन्हें महिला होने का रिजर्वेशन हासिल होगा। और बिहार में महिलाओं को नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण है, ये 35% आरक्षण है नौकरी में, और लोकल बॉडीज में 2007 से 50% आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, जिसे मूलतः जीविका के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाएगा। और जीविका जो है वो विश्व बैंक द्वारा पोषित एक ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, और बिहार में 5 अप्रैल 2016 को बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 लाया गया था। आगे चलते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 54 बाजार समितियों को विकसित करने का फैसला किया है।
ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले कि ये जो 54 बाजार समितियां विकसित की जा रही हैं उसका अर्थ क्या है कि अब राज्य का अपना नया मंडी कानून भी लाया जाएगा। और ज्ञात हो कि वर्ष 2006 से बाजार समिति भंग होने के बाद से ही बिहार में मंडी कानून नहीं है। आगे चलते हैं कि पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने हेतु इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC, किसने, IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। ठीक है, तो क्या क्या है कि पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु किसने, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत किसे, तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। और अगली जो खबर है वो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गया जिले के फल्गु नदी पर निर्मित राज्य के पहले रबर डैम गया जी का उद्घाटन 8 सितंबर को किया गया है। ठीक है, और इसे किसने बनाया है, तो ऑस्ट्रिया की कंपनी व हैदराबाद की एजेंसी ने मिलकर इस रबर डैम का निर्माण किया है। और आगे की ये जो डैम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि 3 मीटर ऊंचा है और 411 मीटर लंबा है। नेक्स्ट चलते हैं कि IIT पटना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल डॉक्टर नामक एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। और इसे विकसित करने में IIT मुंबई और एम्स ऋषिकेश भी शामिल है। ठीक है, तो IIT पटना की हेल्प किसने की है और विकसित करने में ये वर्चुअल डॉक्टर नामक एप्लीकेशन, IIT मुंबई और एम्स ऋषिकेश। नेक्स्ट है कि बिहार के बक्सर जिले में देश का पहला नीलगायों का शोध संस्थान खोला जाएगा। और आगे है, 7 सितंबर 2022 को बिहार के प्रसिद्ध कलाकार तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार न्यूज कवर किया, 1 से 10 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट जो न्यूज थे। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैगजीन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के अगले सेगमेंट, चौथे सेगमेंट पे, आज के प्रश्न पे, जिसमें मूलतः 5 प्रश्न होंगे और इसके जवाब आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो पहला है प्रश्न कि शिक्षा को किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके ऑप्शन है ए 43वां, बी 44वां, सी 42वां या फिर डी 45वां या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन है ए कथक, बी डोमकच, सी लौंडा नाच, डी झिझिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप सभी को इसके PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे या फिर आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे PDF में ज़्यादा आपको आसानी होगी तो इसके लिए आप CME पटना के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन, इसमें तीसरा जो प्रश्न है वो है कि दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, आंसर अगले वीडियो में मिलेगा। चौथा जो प्रश्न है वो है भारत की 2+2 वार्ता निम्न में से किस या फिर किन देशों के साथ होती है। ऑप्शन है ए USA, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी रूस या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और पांचवा जो प्रश्न है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे खोला गया होगा। ऑप्शन है ए गुजरात, बी दिल्ली, सी बिहार या फिर डी पंजाब या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये थे आज के प्रश्न और इसके जवाब आप सभी को अगले वीडियो में दिए जाएंगे। वैसे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको जवाब पता ही होगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। और CME की एक करंट अफेयर की मैगजीन आ रही है 67 BPSC को लेकर, तो आप सब चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। उसमें कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रूप में कवर किया गया है, जिसके कि BPSC एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये बुक स्टोर पे अवेलेबल होगा दिल्ली पटना दोनों में, आप लोग जाकर उसे ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है और अपनी पढ़ाई करते रहें और तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।